बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। आज हम बनाएंगे पंजे, और ये पंजे जो हैं ये देसी मुर्ग के जो पंजे हैं, और इसके जो नेल्स हैं वो पहले से उतर चुके हैं, क्योंकि मेरा भाई लेने गया था, वहीं से वो तुड़वा लाया। लेकिन ज़्यादातर इसको साफ़ करने के बाद इसके जो नेल्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। और अब इसको मैं आपको इसके छिलका जो है कैसे जी, बस इसको इसके ऊपर रख दें, चाहे आप इसके ऊपर रख के कर लें कि इसको पूरा सेक लग जाए, और ये बड़ी ईजी हो जाते हैं। सिर्फ अब इसका छिलका निकालती हूँ। इसी तरह आपने इसका छिलका जो है निकालता है, कोई मुश्किल उसमें नहीं है। ये देसी हैं, इसी तरह आप छीलते जाएं, और आप इसको ज़रूर बनाया करें। ये बहुत ताकतवर होते हैं और इसमें बड़े फ़ायदे हैं, और जिन लोगों को पसंद है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और ख़ास तौर पर सर्दियों में इसका सूप बना दिया जाता है, कुछ लोग फ्राई कर भी खाते हैं, कुछ लोग इसका सालन बनाते हैं। हम लोग इसका सालन बनाएंगे। तो देखें यहाँ से छिलका ये उतर रहा है। जिसको कमर दर्द हो, पट्ठों का मसला हो, उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। अब इस तरह सारे जो हैं ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, और इसके फ़ायदे जो हैं वो बेपनाह हैं। जोड़ों के दर्दों के लिए भी बड़े बेस्ट हैं ये, काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। आप इसके फ़ायदे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके हैं। तो अब मैं बाकी सारे साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह सारे जो हैं ये मैंने साफ़ सारे कर लिए हैं, आप देख सकते हैं सारे साफ़ हो चुके हैं। और अब इनके अंदर मैं ये आधा कप जो है ये मैं आटा जो है ये ऐड कर दूंगी। इससे ये होता है कि स्मेल वगैरह जो होती है ये इसमें नहीं आती। थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी मैं, तो इसको अच्छे तरीके से सारा इसे मस लेंगे इसके अंदर ना, कर करके इस अच्छी तरह इसको यानी कि मस लूँगी, कि इसकी जो आटे से स्मेल वगैरह होती ख़त्म हो जाती है। तो इसको मैं 7-8 मिनट इसको रख दूँगी इस तरह ना, मस लूँगी सारा रख दूँगी। जब इसको इसी तरह आपने इनके पकड़ पंजों को पकड़ पकड़ के अच्छे तरीके से आपने इस तरह से करके अच्छे तरीके से इसको मसलना है, कि ये इसकी जो स्मेल है सारी ख़त्म हो जाए, पंजों में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसी तरह आपने फिंगर के साथ आटे के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इसको मल मल के इसकी मसाज करके इसको साफ़ करना है। तो कितने अच्छे इससे बनते हैं इसी तरह। अब मैं सारे इस तरह करके तब इनको वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। एक लहसुन का गट्ठा है ये, और 1.5 इंच का अदरक का पीस है, 3 हरी मिर्चें हैं, नॉर्मल साइज़ का एक टमाटर है, और नॉर्मल साइज़ का ये एक प्याज है, ज़्यादा बड़े नहीं है। और इन सब चीज़ों को मैं एक साथ ही ग्राइंड करने लगी हूँ, ग्राइंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया, और अब जो है हंडिया जो उसमें इसको डालते हैं जी। हंडिया गर्म बताया था मैंने आपको कि जब इसको गर्म के लिए रखते हैं, इसको सादा नहीं रखते, इसलिए मैंने 1 कप पानी इसमें डाल के रख दिया था गर्म करने के लिए। और अब इसके अंदर मैं 1 लीटर जो है पानी जो है मैं डाल रही हूँ, और साथ में जो है ये जो पंजे हैं ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर इसी तरह। और साथ में जो मैंने वो पेस्ट ग्राइंड किया वो डाल दूँगी, और इसी का भी जो पानी है इसके अंदर जो है पेस्ट वो भी डाल देते हैं। कड़ी पत्ते, 1 ये इलायची है, और 1 इंच का ये दालचीनी का जो यानी कि पीस है ये दालचीनी है, और 1 टीस्पून ये जो है अजवाइन है, और इसे अजवाइन को मैंने वॉश कर लिया, छान लिया, ये भी सारे इसके अंदर डाल देंगे। नमक ऐड कर रही हूँ, बाकी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं ये मैं मिर्च ऐड कर रही हूँ, रेड मिर्च पिसी हुई, और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी पकने के लिए, और फ्रॉम नॉर्मल फ्लेम को बड़ी पकते रहे। अगर आपकी ये टेंडर हो जाए इसी पानी में, ठीक है, ना हो तो आप इसे पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस पर कितना टाइम लगा इसको टेंडर होने में। अभी सारे मसाले डाल दिए, और मैंने आपको वेट बता दिया, जो इसका वेट था पंजों का वो 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा थे, वो मैंने आपको नहीं पहले बताया, लेकिन अब मैं आपको बता दी उस हिसाब से फिर आप देख लीजिएगा। और अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी, और पानी कम हो जाए आपका फिर इसमें पानी आप और डाल लीजिएगा, क्योंकि टेंडर होने में ये देसी हैं, थोड़ा टाइम लेंगे पकने में। तो इसलिए जब इसको पकते हुए 1 घंटा हो चुका हुआ है, और ये देखें बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, क्योंकि नज़र आ रहे कि टेंडर हो चुके हैं बिल्कुल, देख सकते हैं आप। तो अब जो है इस मिक्सर में आके इसके अंदर मैं जो 1 कप जो है इसके अंदर मैं घी डालूंगी, ये 1 कप हो जाता है, ये मैं जब 2 डालती हूँ 1 कप ये घी हो गया। अब इसके अंदर इसको 5 मिनट के लिए बस भूनेंगे। बहुत आला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। और प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, और जो करते हैं कमेंट्स करते हैं, जो नहीं भी करते हैं जो लाइक करते हैं, इनके बाद टाइम निकाल के वीडियो को वॉच करते हैं, जज़ाकअल्लाह, खुश रहें, बाद रहें।
और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करें जी। एक कप दही में 1 टीस्पून जो है मैं काली मिर्च डाल रही हूँ पीसी हुई, और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा जिसमें डाल के इसे मिक्स करके साथ में ये दही जो है इसके अंदर डाल देंगे सारा। इसको हल्का इसके अंदर 2 मिनट के लिए इसको बस करते हैं बस। जब साथ में इसके अंदर मैं 2 ग्लास जो है मैं पानी डाल दूँगी शोरबे के लिए, और बस इसको 2 से 3 मिनट इसको बॉयल आएंगे तो फिर बंद कर देंगे। जब ये पानी डाले को 5 मिनट हो गए, 5 मिनट पानी पका, इतनी जो शोरबा है इतना मैंने रखा है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं शोरबा इसका, लेकिन मैंने इतना शोरबा रखा है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, अब इसकी फ्लेम बंद कर लेंगे आप जी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गर्म मसाला जो है कर देती हूँ जी। अब ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल लाइक और प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।